मेरा बच्चा, कोई नहीं, अपन अब्बू का नाम बोल देंगे। हाँ मेरा बेटा, चलो अभी संभालने से कुछ नहीं है कि वो तो जब अल्लाह देता है तो अल्लाह सब कर भी देता है, पर मुझे अभी फिलहाल मेरा ऐसा है कि मेरा बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाए, हाँ। फिर सोचेंगे पहले, पहले इसका। अच्छा लग रहा है, पर आप गर्म 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 बोल रहे हो ना, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो ये भी पसंद करे हमने, ये ठीक लग। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम हो गया आप लोगों का उस ब्लॉग में और महत्पा की प्यार से दुनिया में। सो गाइस, मैं अभी सो के उठी हूँ और मैं जा रही हूँ महत को इंजेक्शन देने दिलाने के लिए, क्योंकि 1.5 साल का इंजेक्शन उसको लगा नहीं है अभी तक, और मुझे फ़ोन आया शीन बाजी का कि आ जाओ उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए, और खाली भी है, बीच में ही 2 बार लगाने जाने का था बट उसको सर्दी थी, इस वजह से मैंने कहा अभी तो फिलहाल माशाल्लाह अच्छा है, तो मैं सोच रही हूँ जाके फटाक से लगा के लेके आ जाती हूँ। तो चले देखते हैं आज महद वहाँ पे क्या करता है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर। तो अभी मैं निकल रही हूँ, उसको कैसा भाग रहा है ये। हाँ चलो बेटा, अभी तुमको पता चलेगा इंजेक्शन लगेगा ना पाटा। चलो 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 चलो, रुकते नहीं रुकते नहीं, वहाँ पर रुकना, चलो। तो गाइस, हमने इंजेक्शन लगा लिए, मेरा बच्चा बहुत रोया, मेरा बच्चा, कोई नहीं अपन अब्बू का नाम बोल देंगे। हाँ मेरा बेटा, चलो अभी हम जा रहे घर, चलो आओ। तो हम घर पहुँचे, अब मेरा बेटा देखो सीढ़ी चढ़ रहा है माशाल्लाह, चढ़ो चढ़ो अच्छे से, खेलने बाद में जाना, चलो खेलने नहीं जाने का, छोड़ो ये गंदी बात है, अच्छी चीज़ है, चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो, कल पहुँचेंगे महा, तू चढ़ेगा ना, कल पहुँचेंगे। हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुसब व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ काम पर से, और अभी इस वक्त हो रहे हैं दोपहर के 2:30, एंड अब हम जा रहे हैं थोड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और हमारी हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। महद बाबू को सुबह में शबनम लेके गए थे इंजेक्शन देने, और इंजेक्शन वगैरह दे के लाए तो बोलते शबनम बता रहे थे अब्बा 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 कर, पप्पा पप्पा कर रहा था, बहुत मेरे को जान लगाने लगा है महद, बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी, क्योंकि गाइस हम बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं भी, और बस अब हम आराम करने जा रहे। तो गाइस हमने नीचे ही बस तकिया रख दिया है, क्योंकि गर्मी इतनी है तो बिस्तर बिछाने का भी दिल नहीं बोल रहा है, ऐसा ज़मीन पे गिल्ला कपड़ा मार के उसके ऊपर ही दिल बोल रहा है सो जाओ। तो कूलर भी, हाँ कूलर भी देखो, मैंने पानी वगैरह डाल दिया कूलर में, और अब कूलर चालू किया हूँ, तो देखते इसकी हवा इतनी खाली तुमको ही आ रही है, मेरे तरफ नहीं आ रही, ये साइड ही आ रही, थोड़ा घुमाना पड़ेगा तो ना। पहले चेक करूँ, नहीं आ रही सब यहाँ, लेटो पक्का आएगी, पकड़ो पूरा घुमा लिया अपने साइड से, ये भाई तो हवा नहीं आ रही, ईमानदारी से बोलो। हाँ आ रही, पहले वहाँ जा रही थी ना हवा, हाँ आ रही, इसलिए मैंने उसको यहाँ ले लिया। देखो मात को बात कर रही है, देख रहा है क्या चीज है, कौन चीज है भैया, इटालिया, हाँ क्या है, मम्मा नहीं है, काका 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 है, हाँ माशाल्लाह इंजेक्शन लग, ऐसा लग रहा है इंजेक्शन लगा हुआ बच्चा है माशाल्लाह, पैर में एक हाथ में। ए मेरी बच्ची इधर मत दो, देखो इंजेक्शन लगा के लाया मम्मा ने, अरे मेरा भैया, अरे मेरा बेटू, तुम ही दे दो अब्बा को, अच्छी लग रही टोपी, हाँ थैंक यू। चलिए गाइस थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को शाम में और भागने का काम पे रोजा खोलने के बाद। पीछे अब्बा गाइस हम लोग सो के उठे और काफ़ी टाइम पहले उठे थे, बट गाइस हम लोग का ऐसा हो रहा है कि मतलब आज हमने व्लॉग नहीं शूट कर पा रहे, मतलब ज़्यादा नहीं शूट कर रहे, क्योंकि ना कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इस वजह से। बाकी ना तो डेली तो बना दी है, पर आज ज़रा भी ऐसा मूड नहीं था, तो आज ज़्यादा कुछ हमने बताया नहीं। एंड महद बाबू देखो, महद इधर आओ, महद महद सुनो भैया, और गाइस महाद है ना आया आगे मेरे को उठाया, बोलता अब्बा, मैं बोला हाँ, बोलता चलो, मतलब इशारा किया उसके पीछे आओ,
आया मैं तो अंदर बैठा और बोलता मम मम पीने का मम, फिर उसको पानी पिलाया, फिर गया, फिर आके वो आवाज़ दिया मेरे को अब्बा, वो ये रूम में था, हम लोग वो रूम में थे, यहाँ आ गया था खेलते खेलते। उसके बाद अभी उठा, उसको इंजेक्शन लगे ना तो थोड़ा बुखार भी चढ़ा। भैया इधर आओ, और बराबर शिकायत कर रहा हर चीज़ की। क्या हुआ मतलब भैया को? हाँ प्या क्या क्या बोलता है क्या मालूम, तो कैसे चलिए फिर अल्लाह। अरे बाप गाल के गाल हिलते ना तो ऐसा करता है। बस ना बेटू इतने कम तो हो गए गाल, अभी और कम करने का क्या, देखो ना। और ये हीरो हीरो बन के कहीं जाने की तैयारी, कहाँ जा रहे तुम? अरे कहाँ जाऊंगा भाई, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। और कचरा कचरा फेंक के पेट्रोल पंप तक तो आया, तो अभी तो फेंक के आया, तो रोज रखा है कौन सा? हाँ तो वही तो फेंक रहा ना। चल आ चुका हूँ नमाज से, और हम बैठे थे, थोड़ा हंसी मजाक किए, नीचे आता हूँ, ऊपर आता हूँ तो देखो फोन चालू हो जाते। तो गाइस मोबाइल गिरा दिया रे भैया। तो गाइस अभी हम लोग बैठे थे और अचानक हमने डिसाइड किया कि हम जाने वाले हैं मार्केट। तो गाइस चलिए देखते हैं 2024 का साल है और कैसा है, मार्केट का टूर भी देंगे जितना हुआ उतना। 2024 का साल मार्केट का हाल, 2024 का साल और मार्केट का हाल, तो हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे क्या रेट है, क्या भाव है, क्या ड्रेस है, कैसा है, और मार्केट का भाव तो क्या चल रहा है, रेट भाव कौन सी चीज़ का क्या चल रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जितना हमसे हो सके हम आप लोगों तक शेयर करेंगे। तो भाई चलिए इसके लिए हमें जाना होगा सिटी चौक मार्केट, तो पहले हम घर से निकलेंगे उसके बाद गाड़ी लेके निकल जाएंगे सिटी चौक मार्केट के लिए। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरा बेटू भी रेडी हो चुका है। देखो भाई जी कैसे चप्पल फेंकता है, ऊपर चप्पल उतारो मत बोलता है, देखो देखो उसकी मम्मी को बड़बड़ किया, अब्बा ने यहाँ चप्पल फेंक दिए बोला, उतार दिया ये फेंक दिया, यहाँ चप्पल ही नहीं रखने देता क्योंकि ना आते जाते उसके पैर में फंसती है तो चप्पल उठा उठा के फेंकता है, भाई शाना हो गया ये। तो गाइज आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी थी पिछले ब्लॉग में, जिससे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि हमारे लिए कोई एक अच्छी दुआ करना, तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी और ज्यादातर लोगों ने तो 3 से 4 होने की दुआ दी है। तो अल्लाह आपको जजाए खैर दे, अब वो तो किस्मत की बात है, जब नसीब में होगा जब होगा। जी तो बहुत सारे लोगों ने हाजी की दुआ सबसे पहले कबूल होना चाहिए। जी तो गाइज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के, 3 से 4 इतना जरूरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक है बस हो गया। मेन कैसा ना, अभी हम लोग के घर में कोई संभालने वाला है, संभालने वाले तो बहुत है, ऐसा नहीं है, मेरे दोनों बहनें हैं, मेरी भाभी है, बट कैसा है ना अभी सब अपने अपने मतलब घर में परिवार में बाजे हुए हैं, तो इस वजह से तो कैसा। अरे नहीं ये सब बात भी नहीं है मेरे को। और दूसरी बात अभी कैसा है ना मतलब अभी पहली बार मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का कुछ संभालना नहीं, संभालने से कुछ नहीं है कि वो तो जब अल्लाह देता है तो अल्लाह सब कर भी देता है, पर मुझे अभी फिलहाल मेरा ऐसा है कि मेरा बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाए। हाँ। फिर सोचेंगे, पहले इसका थोड़ा देख रहे अच्छे से हो जाए। हाँ। उसके बाद देखते हैं। तो गाइस चलिए पहले हम बिना देरी करते हुए निकलते हैं मार्केट की ओर, क्योंकि आज है कितना और होता है शबनम 15वां। अब गाइज मेरे 2 छूट गए तो इस वजह से मेरे को इतना मतलब भूल गया हूँ मैं बीच का, नहीं तो 2 रोज़े मेरे छूट गए क्योंकि ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बीच में 2 दिन इस वजह से। तो चलिए क्या बोलते हैं मैडम, चलो। ए भाई तुम तो चॉकलेटी वॉकलेटी क्या बातें है, ओ माय गॉड मचा रहे ले भाई तुम तो, चलने का फिर चलो। तो क्या भावताओ मतलब मेरे को जैसा लेने का जैसा शबनम सोच रहे, तो देखते क्या सोच रहे कैसा लेने बोल रहे हैं, और शबनम के लिए उस पे से देखेंगे तो थीम सेम रहेगी। देखते मिल गया तो अच्छी बात है, ट्रेनिंग करना है। तो ए ए ए बस है बस बस हो गया, जरा तेरी बड़बड़ घर में कितना बड़बड़ करते रहता है दिन भर। मेरा बच्चा इंजेक्शन लगाया ना, हल्का बुखार चढ़ गया मेरे। हाँ हो जाएगा, पिलाई सकती कौन। तो चलिए तो गाइस नीचे मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो बच्चे लोगों का कॉक मैंने छुपा दिया, तो वही पूछने आए कि भैया आपके पास है क्या कॉक, क्या मालूम मेरा बचपना कब जाएगा। देखो क्या बोले, बच्चे लोग का कॉक बैंड खेल रहे थे, कहाँ रखे? कौन कॉक कहाँ रखा, कौन बोला? इंसान का, काय का कॉक, कौन सा कॉक, कैसा कॉक? यहाँ पे भी वही हरकत चालू हो गई। तुम क्यों ऐसा किसी के साथ खेलते और कॉक छुपा देते? नहीं अच्छे लगता, बड़े है तुम अभी, बच्चे नहीं है तुम। बच्चे लोग ऐसा हरकत करते रहते, किसी का भौरे थे
तो गाइस मेरे को अच्छा लगता है बच्चे लोग के साथ मस्ती करने। मेरा खुद मस्ती करो, खेलो, छुपाओ पाकी क्या आते, फिर बच्चे लोग उल्टी सिल्टी बातें कर देते हैं। यहाँ के बच्चे नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को नहीं किसी ने को अभी कुछ किसी ने थोड़ी बोला, खाली पूछा भैया कॉक कहाँ रखा। बच्चे लोग आके बोल रहे आंटी जरा अंकल को समझाओ, अंकल ने कॉक छुपा दी है। तो गाइस आप लोग कमेंट में बता रहे की मैं अंकल दिखता हूँ क्या, लोग बच्चे लोग कुछ भी बोलते हैं। आंटी नहीं दिखते तो बोलना चाहिए भाई, गाली बोलो। मैं सीधा बोलता हूँ भाई, देख भाई गाली दे दे अंकल मत बोल। कोई बच्चे कोई बात नहीं बोले तो कुछ घट नहीं जाता है अंकल आंटी से। चलिए गाइस जिनकी क्या बड़बड़ चलते रहेगी तो पहले अपन निकलते करते हैं। अरे ऐसा कुछ ही नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अपन पहले भी जवान नहीं थे और अब जवान है। आंटी बोल दो तो क्या हो गया, बुरा नहीं लगता मालूम है। अपने बच्चे अपने गली के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे, तो गाइस चलिए फिर फटाफट निकलते हैं हम लोग। तुम्हारा कॉक छुपा दो क्या अभी तक जाके, तुम्हारा बच्चा छुपा दो क्या, तकड़ा फोड़ दूंगी मेरा बच्चा छुपाएंगे। टुकड़ी मम्मा नहीं पी रही तू, मेरे जैसा हो गया गाइस। ये बाहर जाने लगता है ना तो पानी मांगता है, जैसे कि मैं पीता हूँ पानी। मैं देखो मम्मा बता रहा है क्या हुआ भैया, मम्मा क्या क्या हाँ बिस्मिल्लाह। और माशाल्लाह बैठ के पानी पीने की आदत डाल रही इसको, और बैठ के ही पीता है ये माशाल्लाह। चलो तो हम मार्केट आए थे तो मुझे इसमें से ये ड्रेस पसंद आया है, पर अभी हम और आगे जा रहे हैं और भी तो और देखते हैं। अभी तो ढूंढने में एक से दो दिन जाएगा। अल्लाह मुझे लगा ये बच्चा खड़ा है पुतला। तो देखते हैं अभी, सबसे पहले महावर महाद के अबू का देखते हैं, मेरा बाद में देखेंगे क्योंकि मेरे को मैचिंग चाहिए उन लोग से। अल्लाह बेचारे अंकल का नहीं यार, चलाने का बेचारे सही है, कितने कर दिए। तो सोचो अगर हम लोग एकदम लास्ट में आते तो क्या होता। मेन तो पहली बार तो चलने ही गाड़ी नहीं चल रही है, ऐसा दिल कर रहा है कि मतलब पैदल जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। पहुंच गए मार्केट में, तो चलिए देखते हैं जाके, पहले रेडीमेड का बाद में देखेंगे, पहले सिलाने वाले का देखते हैं। वो भाई साहब सो गए, इनको भी अभी सोना था। महाद तो ये भी एक पसंद करे हमने, ये ठीक लग रहा है ना। आ गई हाँ, छोई छोई नहीं कर लो, तुम्हारे लिए कपड़ा लेने का है। अभी तुम्हारी होट कितनी गुलाबी गुलाबी है, गुलाबी गुलाबी। कपड़ा लेने का नहीं, चलो दूसरी दुकान पे। अजी कुछ पसंद नहीं आ रहा ना, कुछ सेलेक्ट समझ में नहीं आ रहा है ना। अच्छा लग रहा है, पर आप गर्म 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 बोल रहे हो ना, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, कॉमन से। अरे ये इसमें ना, ये आज मॉर्निंग में जाएगा किसी तरह देखने को। मस्त है, इसलिए दिखो अच्छा लग रहा है। ये ब्लू वाला भी अच्छा लग रहा है। बहुत कंफ्यूज हो रही है आपको, मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत कंफ्यूज है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी अब इसमें कंफ्यूज है, इसमें से कौन सा लेना है। ये भी मस्त लग रहा है, बहुत मस्ती कर ले है ना। अरे बाप बेटा लो, कैसा लग रहा है ये वाला? देखो ये वाला थोड़ा मतलब ज्यादा बेटर लग रहा है, यूनिक लग रहा है ये वाला। चला लेना था, ये मेरे को भी पसंद आ रहा है, ये वाला पसंद आ रहा है। हां चला लेना उसके बाद, इसका ऐसा हो गया ना कि इसको व्हाइट पे फिर करेंगे, ये सब व्हाइट तो मजा नहीं आएगा। ये नहीं कुछ अलग लो इस बार, पिछले यूनिक लग रहा है, मस्त लग रहा है, ये तो अच्छा लगा मुझे, और ये भी अच्छा लगा, पर वो ग्रीन जैसा थोड़ा फॉर्म वाले ना। नहीं हां ये जैसे कि क्या है, इधर आओ। लेडीज लगेगा एकदम, जैसे कि अभी हम लेडीज लोग नीचे का अलग सिलाते हैं ऊपर का, तो वैसा हो जाएगा। हाँ नहीं तो उसके नीचे वाइट अच्छा लगेगा। मस्ती नहीं करने का ना, हाँ कौन कर ले तू बाबा कहाँ हो गया,
का चुन्नी मुन्नी इसमें से कौन सा लिया आप बताना आप लोग, एक ये तीनों में से। सबको मालूम है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ, तो देखते हैं फिर ये बार उन्होंने मतलब फाइनल हो गया कपड़ा कि ये लो, मतलब ऐसा लो तो अच्छा लगे। तो उन्होंने चार पांच और अलग अलग डिजाइन पैटर्न में बताए थे निकाल के, तो मैं कि उसमें से ये पसंद आया, तो उस पे मतलब मिलता जुलता एकदम पैजामा भी उसका ही निकाले। तो वाइट देख रहा था पर थोड़ा वाइट के साथ अजीब लग रहा था, तो उससे ज्यादा अच्छा मतलब लाइट क्रीम में लग रहा था, हल्का सा था। चलो तो हो गया डिसाइड, तो चलो अब देखते टेलर के पास क्या होता है क्या नहीं। मात का भी सेम ही रहेगा, ये साल भी सेम शबनम का देखेंगे अभी क्या रहता है क्या नहीं। मेरा कुछ भी हो जाएगा, नकाब भी तो रहता है, कपड़ा लेके भी क्या मतलब। तो गाइस हमने ले लिया, अब हम जा रहे हैं टेलर के पास माप देने के लिए, क्योंकि महत का बोल नहीं सकते टेलर सिल के देते नहीं देते। तो हम लोग पहले सबसे पहले जल्दी से जल्द जाते हैं, हमारा कुछ और था इरादा लेने का, जो अभी चल रहा है ना वो ट्रेंडिंग में जैकेट ये सब, पर वो अपने बजट में नहीं है, तो हमको इतना हाई फाई नहीं करना है, बस नॉर्मली नमाज पढ़े इतना कुछ कपड़ा चाहिए अच्छा, तो हमने सिलवा लिया, वरना हम तो उतना भी नहीं करते, ज़रूरी नहीं था। तो जो ऐसा सामने है ना ब्लैक ऐसा चाहिए था मेरे को बात क्या बुकले, पर हमने बोले ये बार नहीं, बीच में हमारे घर में शादी वगैरह भी है तो हम तब सिला लेंगे, तो हमने नहीं को कैंसिल करके सिंपल करे, क्योंकि हमको तो फिर भी इतना नसीब तो हो रहा है, वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, न तो बाकी तो फिर आप लोगों को तो पता ही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा। तो चले चलते इतना सिलवा ये माप दे डालते हैं, अभी देखते टेलर सिलते हैं कि नहीं महत का बुक तो ले लेंगे, महत का मालूम नहीं है। सो गाइस हम आए थे टेलर के पास, बट जहाँ उनका पहले शॉप था तो वो नहीं है, कहीं और है, और टाइम हो गया है 1:15, तो हम निकल रहे हैं घर के लिए, कल आ जाएंगे। अब महत के अब्बू का, महत का तो हो गया है, बस उनके जूती वगैरह जो भी है कुर्ते के ऊपर जो रहता है वो लेने का रहेगा, और फिर मेरा देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी चले जाते हैं घर पे, और मुझे सुबह सैरी के लिए भी थोड़ा कुछ बाहर से लेना, क्योंकि अभी बना तो पाऊँगी नहीं, तो बाहर से ले लूँगी सुबह सैरी के लिए। तो भाई देखो हम लोग पहुंच गए घर पे, और देखो चप्पल कैसा फेंक रहा है रास्ते में, उसके पैर में अड़ी आगे, तो देखो सब चप्पल इंच उसका ये कह रहा है कि सुनीत को चप्पल उतारने का नहीं। हां सुनीत को फेंक दिए ए हां मच्छी ई। तो भाई ये लड़के का ऐसा है कि ना सीढ़ी पे मेरे रास्ते में जो अड़चन बने, तो फिर कल के न्यूज़पेपर में मिसिंग वाली खबर सीधा नीचे फेंक दे रहा हूं, तो ऐसे ही करता है ये। और गाइस हमने कपड़े लेने गए थे, तो मेरा फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ईद का कपड़ा आ चुका है आप लोगों की दुआओं से, और इतनी महंगाई है बाबा कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बेहिसाब महंगाई है। शबनम क्या बोलते हैं, इतना महंगा कपड़ा है, मेरा तो दिल में लगा ना कि मैं मतलब जो है घर में सोचू वही पहनूंगा, इतना महंगा। नहीं क्योंकि महंगाई तो ये साल वाकई ज़्यादा है 2024 में, वैसे तो कपड़ा भी हमने अच्छा ही लिया है, वो भाई ने बहुत अच्छा कपड़ा दिया माशाल्लाह, थैंक यू सो मच भाई, और बेचारे बहुत इज्जत करते, यही बहुत बड़ी बात है। कैसा है मतलब हर जगह चीज़ें पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है मतलब। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, और बहुत अच्छा कपड़ा दिए। और गाइस मैं मतलब आप लोगों को मार्केट का हाल ये बता दूँ कम में ज़्यादा कि ना महंगाई तो है, जैसा आप चूज़ करो, अगर आप सादा भी चूज़ कर रहे हैं ना तो भी महंगाई है, और महंगा भी चूज़ कर रहे हो तो महंगाई है। तो शबनम पलंग पे खड़ा रहने के बाद हमारी हाइट में आई है, महंगाई के दौर तो महंगाई के दौर में शबनम पलंग पे खड़ा रहने के बाद भी शबनम की खाली हमारे हाइट में आई है। शबनम अरे शब्दो अरे अल्लाह अरे अल्लाह अरे अल्लाह। तो गाइज बहुत अच्छा लगा मार्केट में जाके, मार्केट घूम के मज़ा आया, और कपड़ा तो फाइनली आ गया, बट टेलर के पास नहीं डाले क्योंकि टेलर मतलब वो जगह से जहाँ पे मैं कपड़े सिलाता हूँ उन्होंने वहाँ से खाली कर दिए, तो देखते हैं इंशाल्लाह अभी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, उनके पास ही जाएंगे, बट कहाँ है उनकी शॉप अभी मुझे फ़िलहाल वो नहीं याद है, उनका एड्रेस नहीं मालूम है, तो कल इंशाल्लाह उनसे एड्रेस लेके उनके एड्रेस पे हम पहुँच जाएंगे। तो आप लोगों की शॉपिंग हुई क्या नहीं गाइस कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसी हुई शॉपिंग ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज का हमारा दिन भी यही ख़त्म होता है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो हर बार की तरह इस बार भी प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और गाइज आई होप कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो
ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो और हमेशा की तरह इस बार भी सपोर्ट करो और आगे भी करते रहो। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय, गुड नाइट।